अभी जो है आर जो 3 रूटर है उसी रूटर्स के अंदर नेबरशिप आपके पास फॉर्म है आर हिस्से 4 से, यानी 3415 से नेबरशिप फॉर्म है। हम क्या करें कि R4 पे जाके मान लेते हैं किसी ने के की वैल्यूज ये चेंज कर दी हैं। R4 पे हम ये गए और R4 पे जाने के बाद हमने कॉन्फिक्टी पे चले गए और यहाँ पे मैट्रिक वेट में जाने के बाद वैल्यूज हमने ये चेंज कर दी। K1 की वैल्यू 15 कर दी, K2 की वैल्यू 10 कर दी, K3 की वैल्यू बताया था 1 ही रखना, 1 ही, और K4 की 0, फिर K5 की भी वैल्यू हमने चेंज कर दी और एंटर कर दिया। ये रिमोट लोकेशन पे किसी ने R4 पे की, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या किसने क्या क्या चेंज किया। हमें तो इतना पता है कि R3 में हम देखते हैं तो K वैल्यू मिसमैच आ रही है। हम क्या करें, R3 में गए और R3 में हमने कॉन्फिक्टी पे जाने के बाद एक ACL फॉर्म की, एक्सेस लेस 100 परमिट IP होस्ट 34.1.1.5 होस्ट 224.0.0.10, ये हमने लिस्ट बनाई। क्या करना है इसका, प्रिविलेज मोड पे आ गए, डीबग IP पैकेट डिटेल और उसके बाद ACL का नंबर, उसके बाद DUMP, इसके बाद कुछ भी नहीं है, DUMP डंप। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, जैसे हम इसको एंटर करेंगे एक बड़ी सी आउटपुट आपके पास आएगी। आ गई समझ में, आ रही है कुछ, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रही, क्या क्या आ रही है, क्या करें। इसको हम उस पे लें, क्या नाम है, नोटपैड के ऊपर रीड आउट करके देखें कौन सी वैल्यू क्या क्या आ रही है। अनऑल आपके पास जो सोर्स आ रहा है वो कौन आ रहा है, सोर्स कौन आ रहा है, सोर्स IP है 5 उसका, डेस्टिनेशन IP के ये। अब ये जो सोर्स IP आपके पास है 34.1.1.5 नजर आ रहा है, 34 जो 115 है और आपके पास दूसरा क्या आपके पास आ रहा है, डेस्टिनेशन आपके पास ये आ रहा है। अब इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एंटायर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आ रही है। आपने किस किस की वैल्यू के आगे चेंज की है, K1 की वैल्यू चेंज की है कितनी, 15। अब जो K1 की वैल्यू 15 चेंज की है वो इक्वल टू किसके होता है, एफ के, और एक वैल्यू और चेंज की है 10, वो किसके इक्वलेंट होता है, 10 बराबर 1 के। आपने जो वैल्यू चेंज की है K1 की वैल्यू कितनी, 15, ये वैल्यूज होती हैं K की फील्ड होती है। जो K1 K2 और जो वैल्यूज हैं अगर आपने जहां चेंज की थी, अगर आपने ध्यान दिया हो यहां पे जो चेंज की थी, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 15 इक्वल टू दी एफ, ये कितनी है इक्वल टू दी 10, ये 1 के बराबर है, ये 0 और ये 0। बट ये जो आपने चेंज किए हैं अगर ध्यान दिया हो, K1 की वैल्यू किस में होती है, कितनी बिट्स के अंदर है, हैं कितनी बिट्स के अंदर है, 0 से लेकर 0 क्या बात है, 8 बिट के अंदर, राइट। तो अगर हम इस पे ध्यान दें इतने वर्ड के ऊपर, तो यहां पर इस 0 का मतलब मैं इसको उठाता हूं अलग से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसको मैंने अलग से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद और लेट्स से मैं और नीचे आ गया,
यहां किया मैंने इसको पेस्ट, इसमें इनको आप अलग कर लें। सारे अलग हो गए, अब ये जो आपके पास है इसको अगर हम लेके आते नहीं कि इस जीरो का मतलब है जीरो 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 जीरो, एफ का मतलब है वन 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 वन, और दूर जाना पड़ेगा, इस जीरो का मतलब है आपके पास जीरो 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 जीरो, और इस का मतलब है आपके पास वन जीरो वन जीरो, फिर आपके पास ये वाली आ गई, इसका मतलब जीरो 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 जीरो, और इसका मतलब जीरो 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 वन, इस वाले पर आ जाइए, जीरो 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 जीरो, एक जीरो ज्यादा हो गया, और फिर ये आपके पास जीरो 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 जीरो, तो इस जीरो का मतलब ये जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया ये पंद्रह, ये एफ आ गया, इस जीरो का मतलब ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये आ गया, ये आपके पास फिर जीरो यानी ये वन यानी ये के वन की वैल्यू थी, के टू की हमने ये कर दी थी, के थ्री की हमने वन ही रखी थी, के फोर ये आ गया, के फाइव ये आ गया, आगे समझ। तो इस वैल्यूज को हम क्या करें, अपने यहाँ पर सेट कर दें, अपने राउटर में सेट कर दें लाके जो हमने चेंज किया है, तो हम पता लग चुका है कि वॉट इज़ दी वैल्यू, तो यहाँ पर अपने में हम चेंज कर देंगे तो नेबरशिप दोबारा से फॉर्म्ड हो जाएगी, यानी हम यहाँ पर चले जाएंगे कॉन्फिग्री पे जाने के बाद, और राउटर ई आई जी आर पी आपके पास और ये हंड्रेड, और यहाँ लिख दें मैट्रिक वेट, तो मैट्रिक वेट के बाद पहली वैल्यू तो जीरो थी, फिर हमने दूसरी क्या सेट की पंद्रह, फिर दस, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो, ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, वेट करें हो गए फॉर्म, नीचे लिखा हुआ आ गया, आ गई समझ। चलिए काफ़ी आज के लिए, मतलब आप चाय वाय पानी पिए, तब तक नमाज पढ़ लेते हैं।